क्या बात है, तुम इतनी जल्दी पहुंच गई हो। तुमने कहा था इस्तानबुल के सारे हैंडसम मर्द इस पार्टी में आने वाले। चलो उन्हें दिखा देते हैं खूबसूरती क्या होती है। एक मिनट रुको, कोई पार्टी नहीं है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। प्लीज टूअल, देखो तुम गुस्सा मत होना। क्या मतलब है कि कोई पार्टी नहीं हो रही है? तुम क्या डाइट पर हो जो अपना ही दिमाग खा गई? हाँ कुछ ऐसे ही, मुझ पर गुस्सा करो, मुझे तकलीफ पहुंचाओ, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। देखो मेरे साथ कोई भी गेम खेलने की कोशिश मत करो। जब से हयात ने नौकरी छोड़ी है मैं बहुत खुश हूँ, मुराद भी यही पर है। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी उदास हूँ, मेरी हंसी भी रुक नहीं पा रही। मेरा मुँह बंद नहीं हो रहा। तुम्हारा मुँह घोड़े जैसा है, तुम कभी अच्छा नहीं बोल सकती। ये दिखने में किसी मेट्रो स्टेशन की तरह दिखता है, बहुत बड़ा। तुम्हारा दिमाग तो बड़ा है लेकिन शरीर कीड़े जैसा है, और आंखों के नीचे झुर्रियां भी आ गई हैं। मैं उदास दिखूं इसलिए तुम मुझे मदद कर रही हो ना? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रही, तुम्हें मदद की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे ही मायूसी का नमूना पेश करती हो। तुम ऐसे नहीं कर सकती। मेरी बात खत्म हो चुकी है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ खड़े होकर मैं अपनी खूबसूरती खराब नहीं कर सकती। तुम यहाँ पर हो, क्या इत्तेफाक है, मैं और टुआल यहीं पर फ्रेश होने के लिए आए थे। क्या इत्तेफाक है टुआल, क्यों ना तुम हम लोगों के लिए ड्रिंक लेकर आओ। तुम अपना देखो, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूँगी। अब मैं यहाँ सिर्फ रिवेंज लेने के लिए आई हूँ। मजाक कर रही है। नहीं सच कह रही हूँ, ये यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई है और मुझसे झूठ बोला कि यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। वो जो वहाँ पर बंदा है वो इस साल का बेस्ट मॉडल है ना? हाँ क्या सच में? मैं जरा उससे फैशन शूट के बारे में बात करके आती हूँ। मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ दीदी। जो कुछ भी हुआ है मुझे सब पता चल चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम उदास हो गए हो। पता है कब से मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये सारी चीजें सिर्फ मेरी वजह से हुई है। इसमें तुम कहाँ से आती हो, जो होना तो वो हो गया। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं मुराद, वो लड़की कुछ ज्यादा ही स्मार्ट थी है ना? तुमने देखा ना उसने किस तरह मुझे हर्ट किया। तुम खामखा परेशान मत हो, हर किसी को अपने किए का फल मिलता है। चलो डांस करते हैं।